ओम शांति। अव्यक्त मुरली, 9 फरवरी 1976। प्रश्न है, कमल पुष्प समान न्यारा बनने की युक्ति क्या है? कमल पुष्प समान न्यारा बनने की युक्ति क्या है? क्या है? कमल पुष्प समान न्यारा बनने की युक्ति क्या है? कीचड़ से वैराग, संडे की मुरली। जन्म जन्म किस में रहे? कीचड़ में। और अब क्या बन गए? कीचड़ में कमल बन गए। तो कमल समान, कमलवत जीवन या कमल समान न्यारा बनने की युक्ति क्या है? डिटैच बनने की युक्ति क्या है? नो टचिंग। और बाबा की याद, एक से प्यार, परमात्मा प्रेम, उसके बिना जीवन कैसा है? नीरस, सूखा गन्ना। तो परमात्मा प्रेम और कमल समान बनने की युक्ति क्या है आशीष भाई? परमात्मा प्रेम हो गया, दूसरा बताओ। प्रभु प्यार। हाँ, कीचड़ से क्या क्या प्रॉब्लम है उसका चिंतन, और उसे खाद भी मिलती है। तो और समय कौन सा है इसका चिंतन, और प्राप्तियों का चिंतन, और कमल समान, कमल पद्म, कमल का क्या महत्व है? सबसे पहले तो ये प्रश्न है। कमल की 10 विशेषताएं वो छोड़कर, कमल पद्म सरोज अरविंद नीरज सरस पंकज जलजात और तो नीरज पंकज सरोज अरविंद कमल पद्म लोटस सेक्रेट लोटस बीन, क्या महत्व है? तीन धर्मों में बहुत ज्यादा महत्व है। सबसे पहला हिंदू धर्म, हिंदू से भी पहला दूसरा धर्म है जिसमें उसका ज्यादा महत्व है। हिंदू सेकंड नंबर, बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। सबसे पहले तो बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और इजिप्ट, कॉन्फ्यूसियस, बहाई में अभी अभी ऐड हुआ है। सबसे पहले बौद्ध धर्म, क्या महत्व है? इसको निकाल दो टेबल को। बौद्ध धर्म में क्या महत्व है? डिटैचमेंट। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था, जहां जहां उन्होंने पैर रखे थे वहां वहां एक पद्म तैयार हो गया था। जैसे जैसे वो चलने लगे, जहां जहां पैर रखा वहां वहां पद्म था एक, ऐसा कहा जाता है किंवदंती। तो सबसे पहला बौद्ध धर्म में ये जो महत्व बाबा जो बताते हैं वो हिंदू धर्म वाला नहीं है। हिंदू धर्म में उसका महत्व सौंदर्य के लिए है, बौद्ध धर्म में उसका महत्व डिटैचमेंट के लिए है। क्योंकि कमल जब खिल रहा है, ठीक है, तो ये जो पानी है, दिस इज द वॉटर ऑफ डिजायर एंड अटैचमेंट। ये जो पानी है ये इच्छा तृष्णा का प्रतीक है। पानी तृष्णा और आसक्ति। और बौद्ध का सिद्धांत है कि संसार में जितने दुख है सांसारिक तृष्णाओं के कारण है।
कमल अर्थात डिटैच्ड, न्यारा, ये जो पानी है किसका पानी है? इच्छा का। और ये जो पानी है किसका पानी है? आसक्ति का। इससे डिटैच जो रहता है वो कमल। कमल पुष्प ऐसा एक पौधा है कि उसके जो पत्ते होते हैं वाटरप्रूफ है, भोजन के लिए काम आते हैं, वाटरप्रूफ होने की वजह से कुछ भी ठहरता नहीं उसमें। दूसरा, ये जो कमल खिल रहा है, उग रहा है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का प्रतीक है। आत्मा जिसके साथ रह रही है, जिससे पल रही है, उससे बाहर निकलते उसी से डिटैच हो जाती है। जिस परिवार में जन्म ले रही है, ऊपर आई और उन सब से अलग, ऊपर आई और उन सब से डिटैच, खिलना वही, पलना उसी से, पर फिर भी डिटैच, फिर भी अलग, फिर भी न्यारा, फिर भी पृथक, फिर भी भिन्न। यह भिन्नता, यह पृथकता, यह सेपरेशन, यह डिटैचमेंट प्रतीक है एक योगी का, एक अनासक्त जीवन का। और इस संसार में यदि दुखों से मुक्त रहना है तो इस कमल के समान। कमल अलग अलग प्रकार के दिखाए हैं, ब्लू, पिंक, व्हाइट, रेड। अष्ट मंगल है बौद्ध धर्म में, आठ मंगल प्रतीक। आठ मंगल प्रतीकों में एक प्रतीक, अष्ट मंगलों में एक प्रतीक कमल है, पंकज, अरविंद, सरोज। धम्म चक्र है, उसका एक प्रतीक कमल है। सहस्त्रार चक्र है, यहां थाउजेंड पेटल्ड, उसका एक प्रतीक, ये पद्म अर्थात ही थाउजेंड, जिसमें हजार पंखुड़िया हो, कम भी हो सकती है, परंतु पद्म जब कहा जाता है तो हजार पंखुड़िया वाला, तो वो भी प्रतीक है आध्यात्मिक परिपक्वता का, आध्यात्मिक परफेक्शन का, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का प्रतीक, डिटैचमेंट का प्रतीक। ये बौद्ध धर्म जिसमें अलग अलग प्रकार के पद्म बताए हुए हैं। दूसरा है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में वो प्रतीक है सौंदर्य का। हिंदू धर्म में वो एंडेमिक डायस है, बैठने का स्थान देवी देवताओं का, मुख्य रूप से ब्रह्मा, मुख्य रूप से लक्ष्मी, सरस्वती, विष्णु, कभी कभी कुबेर, मुख्य रूप से पांच, ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी और कभी कभी कुबेर, जिस पर वो बैठते हैं, वो प्रतीक है देवताओं के अंगों का। कमल नयन, कमलाक्ष, कर कमल, हस्त कमल, हर चीज कमल समान है। कमल लोचन, मुख कमल, चरण कमल, हस्त कमल, अलग अलग ये प्रतीक है। विष्णु की नाभि से कमल निकला, जिसमें फिर ब्रह्मा। सबसे पहला प्रतीक है सौंदर्य का। दूसरा प्रतीक है क्रिएशन का, अनफोल्डिंग ऑफ सोल, आत्मा का खिलना, क्योंकि ब्रह्मा की जो उत्पत्ति है उस कमल से है। सृष्टि की स्थापना का प्रतीक कमल है। सृष्टि जिस तरह से स्थापन हुई उसका प्रतीक कमल है। तो सौंदर्य, दूसरा सृष्टि की स्थापना, तीसरा प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता का प्रतीक कमल है। चौथा फर्टिलिटी, उपजाऊपन का प्रतीक कमल है। ये हिंदू धर्म में अलग अलग देवताओं को दिखाया हुआ है। और फिर जो चक्र दिखाए हैं, जैसे बौद्ध धर्म में वैसे सारे चक्र इधर भी है, जो शरीर में चक्र दिखाए हैं मूलाधार से सहस्त्रार तक, ये सारे चक्र है। सहस्त्रार थाउजेंड पेटल, हजार पंखुड़ियों वाला कमल, तो ये भी कमल समान डिटैच्ड।
तीसरा प्रतीक और एक प्रतीक डिटैचमेंट, जैसा बौद्ध धर्म में है वैसा इस धर्म में भी दिखाया है अनासक्त। गीता में है 5वां अध्याय में, एक योगी ऐसे कर्म करता है जैसे कमल हो। ब्रह्मन ध्याय कर्माणि संघम तत्व करोति यः लिप्यते न पापेन, पाप से वो लिप्त नहीं होता है, कर्म ब्रह्म को याद करके करता है। संघम तत्व करोति यः लिप्यते न पापेन पद्मम पत्रम मीमांभसा, जैसे कि कोई पद्म है वो जल से अनटच्ड है, अनस्पॉइल्ड है, अलिप्त है, उसी तरह योगी के कर्म है। तो गीता में भी योगी के कर्मों की तुलना कंपैरिजन कमल से की गई है, डिटैच्ड, उसकी कीचड़ से वो प्रभावित नहीं होता है, कीचड़ उसको स्पर्श नहीं करता है, पानी उसको स्पर्श नहीं करता है, और एक बात, वो कीचड़ में खिलता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में खिलता है, एडवर्स सिचुएशन में खिलकर रहकर खिलना, लोग विरोधी है, जमीन उपजाऊ नहीं है, फैमिली के साथ होता है, उसको कहते हैं कमलाकर, कमलों का पुष्प जो संघ होता है, परिवार कमलाकर उसका वो ग्रुप, तो उसके साथ घूम खिलता है वो। और एक ब्यूटी तो इसमें बताया, उसके कलर भी अलग अलग होते हैं, जैसे जैसी जगह अलग अलग, नील कमल, लाल कमल, सफेद कमल, श्वेत कमल, कमल भी अलग अलग होते हैं। इजिप्ट में इजिप्टियन फिलोसॉफी, नीलोफर कहते हैं उसको, तो इजिप्ट में वो प्रतीक दो चीजों का है, एक है रीबर्थ, पुनर्जन्म का प्रतीक है, और दूसरा है सूर्य का प्रतीक है, क्योंकि रात में वो ढक जाता है, सुबह सुबह खिलता है, वो उसकी पंखुड़ियां क्लोज हो जाती है और सुबह सुबह ऐसे ऐसे धीरे धीरे खिलता है, तो इसका प्रतीक है रीबर्थ, आत्मा के पुनर्जन्म का प्रतीक बताया है, और सूरज का प्रतीक बताया है मिस्र में, इजिप्ट में, मिस्र की सभ्यता में उसके ये दो प्रतीक बताए हुए हैं। फिर बहुत सारे दूसरे धर्म है, कॉन्फ्यूसियस धर्म, जिसमें अगेन वही वाली बात है, डिटैच रहने की, न्यारा रहने की। बहुत सारे फिलोसोफर जैसे कॉन्फ्यूसियस ने कहा है कि आई लव लोटस फ्लावर बिकॉज इट इज अनस्पॉइल्ड, बिकॉज इट इज डिटैच्ड। तो उन धर्मों में भी अलग अलग उसके सिद्धांत बताए हैं। तो कमल पुष्प समान न्यारा बनने की युक्ति क्या है ना? बीन भी कहा जाता है कमल को, बीन। तो न्यारा कैसे रहना है, डिटैच कैसे रहना है, सबके बीच में रहते किस बात से न्यारा रहना है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, किस चीज से न्यारा रहना है, किन बातों से न्यारा रहना है, यहाँ की आसक्तियों से, यहाँ के विकारों से, यहाँ की निगेटिविटी से, यहाँ के वाइब्रेशन से, यहाँ के दूसरों के वृत्ति से, दूसरों के बोल से, दूसरों के व्यवहार से, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा आत्मा को। हर चीज से न्यारा अर्थात डिटैच्ड, जो जितना न्यारा है वो उतना शक्तिशाली है, पावरफुल है, जो जितना अटैच्ड है, चिपका हुआ है, लगा हुआ है, वो उतना कम शक्तिशाली है। योगी अर्थात न्यारा, योगी अर्थात पृथक, योगी अर्थात डिटैच, योगी अर्थात सेपरेट, योगी अर्थात कहीं पर भी लगाव नहीं, झुकाव नहीं, आसक्ति नहीं, किसी का भी नहीं। वो टू बी इन द वर्ल्ड बट नॉट आउट, बट आउट ऑफ द वर्ल्ड नॉट इन द वर्ल्ड, संसार में है पर संसार में नहीं है। यहां क्या कह रहे हैं बाबा, कोई की भी कमी देख करके उसके वातावरण के प्रभाव में ना आए। कमी देख ली, दूसरों में दोष है, दूसरों की कमी है और उसके प्रभाव में आ गए, तो इसके लिए उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टिवृत्ति हो और सामना करने की नहीं,
सामना नहीं करना है उसका, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये श्रीमत के विरुद्ध है, ये तुम श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हो, क्यों सोते हो अमृत वेला, क्यों तुम्हारा मोबाइल ही बजता है हमेशा क्लास में और अमृत वेला। अर्थात वह आत्मा भूल के परवश है, इसका दोष ही नहीं है, बेचारी अनजान है, बेचारा परवश है, अंडर इन्फ्लुएंस है, उसे पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, अज्ञानता में है। इसके लिए साधु संतों के पास जब संसार के लोग आते थे तो कहते थे, महाराज हमें क्षमा करना, हम तो अज्ञानी है, हमें यह भी नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना, हमने आपसे गलत व्यवहार किया पर हमें आप माफ कर दो, क्योंकि हमें क्या, हम अज्ञानी है, हमने आप पर पथराव किया, हमें पता ही नहीं करना क्या था, हमने आपको पकड़ के पिटवाया, कारागार में डाला, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमें अज्ञान थे, हमें माफ कर दो। अज्ञानवश डाल दिया, अज्ञानवश कर्म किए, उनका दोष ही नहीं, उनके प्रति रहम दृष्टि। इस संकल्प से उस वातावरण का व बात का प्रभाव आप आत्मा पर नहीं होगा। क्राइस्ट को सूली लगी, क्राइस्ट ने उन लोगों को ठीक किया जो बीमार थे, जिंदा किया जो मर गए थे, मदद की उनकी जो भूखे थे, और वही लोग आज सारे खड़े थे और उसी को सूली पर चढ़ा दिया, और वो कोई विरोध भी नहीं कर रहा है, कोई कह भी नहीं रहा है इसको छोड़ दो, जबकि उस राजा ने कहा है मैं एक ऑप्शन देता हूं, या तो ये चोर को छोड़ दो या तो क्राइस्ट को छोड़ता हूं, किसको छोड़ना है, सबने कहा इस चोर को छोड़ दो और क्राइस्ट को सूली लगाओ, और जीसस को सूली लगा दी। वो सारे लोग थे जिनको उसने शिक्षाएं दी प्रेम की 3 वर्ष तक दिन रात, वही लोग। और इसलिए उसने क्या कहा उनके लिए, दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग, उन्हें पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। हे प्रभु, हे मेरे पिता, हे स्वर्गीय पिता, ओ हेवनली फादर, फॉरगिव देम, उन्हें माफ कर दो। रहम भाव से भरा है, कितनी ऊंची कॉन्शियसनेस होगी, कितनी ऊंची चेतना होगी कि जिनकी मदद की वही सारे विरोध में खड़े हैं, बैठे हैं, उन्होंने कोई गुहार नहीं लगाई कि इसको छोड़ दो, चुप बैठ गए डर के मारे। यहां तक कि वो सारे शिष्य, उसमें से भी एक शिष्य ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, वो शिष्य भी घुस गया था उस वन में, उस उद्यान में जहां पर क्राइस्ट को पकड़ के लेके गए, और उसको पकड़ा पीटर को और कहा कि अरे तुम भी देखे गए थे उनके साथ, वो कहता है मैं तो उसके साथ था ही नहीं। दूसरी बार कहीं और जगह पर उसको बताया, अरे तुम उसके साथ थे ना, वो कहता नहीं नहीं मुझे कुछ पता नहीं, वो उसका मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं उसके साथ था ही नहीं। सेकंड थर्ड टाइम एक बार फिर पकड़ा जाता है, फिर उसको कहते तुम उसके साथ थे ना, वो कहता है मेरा उससे कोई संबंध नहीं, और फिर वो मुर्गा बांग देता है, जो कि जीसस ने पहले ही कहा था पीटर को, जो पीटर हमेशा पूछते रहता था कि मेरा तुमसे कितना प्यार है, वो कहता है मेरा तुमसे बहुत प्यार है, खुद ही बोलते रहता था मेरा बहुत प्यार है। जीसस उसको कहता है प्यार तुम्हारा मुझसे बहुत है, पर तुम 3 बार मुझे इनकार करोगे, वो कहता है मैं कभी नहीं करूंगा देख लेना, और वो 3 बार इनकार करता है और फिर पश्चाताप करता है, रोता है, ये मैंने क्या कर दिया। तो रहम दृष्टि, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, बिना कारण जो कृपा करता है, रहम करता है, चाहे जितने साधु संत योगी संसार में हुए द्वापर से अब तक, सभी को पकड़ पकड़ के लोगों ने सताया है, एक को भी नहीं छोड़ा, और उनका दोष उन्होंने प्रेम सिखाया, उन्होंने आपस में प्रेम करना सिखाया, लव थाय नेबर ये सिखाया। एक जैन गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा ये कब पता, कैसे पता चले कि रात पूरी हुई और दिन चालू हुआ। एक शिष्य ने कहा जब मैं अंधेरे में देख पाऊं कि ये कुत्ता है और ये गधा है, मतलब तब रात पूरी हो गई, वो जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, तो पहला ये कहता है। दूसरा कहता है मैं जब ये जान पाऊं कि ये फिक कट रही है ये ऑलिव कट रही है, मतलब तब मैं कहूंगा कि रात पूरी हो गई और अब प्रकाश चालू, दिन चालू हुआ। वो कहता है वो पॉइंट कौन सा है जब तुम ये बता पाओगे कि रात इस टाइम पे पूरी हुई, वो घड़ी बिना देखे 12 बज गए मत बताओ,
पर रात पूरी हुई और दिन चालू हुई तो वो सब बोलते फिर क्या आप बताओ। वो कहता है जब कोई अनजान आए और तुमको लगे ये मेरा भाई है तब समझना रात पूरी हुई और दिन चालू हुआ। ये डिफरेंस जब तुम करोगे तब तो सभी ने प्रेम सिखाया, बुद्ध ने अहिंसा सिखाई, सबसे ज्यादा हिंसा भी उधर ही होती है, उसके उसको उसके ऊपर पागल हाथी छोड़े गए। महावीर ने क्या सिखाया जैन धर्म में? अहिंसा। उसके कान खील ठोकी गई, लोगों ने खील आकर ठोकी, यहां पर खून बहते गया, पत्थर मारे। तो पब्लिक जो है ना वैसी है जिनका कल्याण करो वो मदद नहीं करते हैं। परंतु बाबा क्या कह रहे हैं, कोई की भी कमी के उसके वातावरण के प्रभाव में ना आए, क्योंकि जानना है ये निर्दोष है, ये अज्ञानी है, परवश है, शक्ति कम है इनमें, क्या करेंगे बेचारे। आज कोई एक जैसे चाणक्य के पिता थे चाणक्य, वो सबको एकत्र कर रहे थे और जैसे ही धनानंद के सिपाही है वो सब भाग गए और उसको पकड़ के लेके गए। इसके लिए चाणक्य अपनी मां से कहता है इस बुलावे में मत रहना कि ये मगध निवासी तेरी मदद करेंगे, तेरा पति मर गया है। वो कहता है अरे तू कैसे तेरा पति कह रहा, तेरे भी तो पिता है। वो कहते हैं मेरे पिता जो है वो मेरे रक्त की मेरी धमनियों में रक्त की तरह बह रहे, जो तेरा पति है वो मर चुका है। धनानंद के सिपाही उसे पकड़ के लेके गए और वो तेरा पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो सत्य के लिए लड़ने वाला था और सत्य के लिए लड़ने वाले को केवल मृत्यु ही रोक सकती है, कारागार की सलाह के नहीं। तो संसार का स्वभाव ही वो है, वो अज्ञान है और रहेंगे, हमें उनके प्रति रहम भाव। और वो ब्राह्मण परिवार वाले होंगे तो उस समय वो अज्ञानी है। अभी अभी एंगर मैनेजमेंट पर क्लास करा के आया है वो अलग बात है, अभी अब क्रोध से मुक्त कैसे हो उसके ऊपर धुआंधार क्लास करा दिया और अभी अभी उधर से आकर धुआं निकल रहा है, अभी अभी यहां पर क्रोध कर रहा है। उस समय ज्ञानी था पर इस समय अज्ञानी है। कोई की भी कमी देखकर वातावरण के प्रभाव ना आए उसके लिए आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि हो, और सामना करने की नहीं, सामना नहीं करना है उसका तलवार निकालकर। आत्माओं को समाना है, परिस्थितियों का सामना करना है, उल्टा नहीं करना। आत्माओं का सामना नहीं करना और परिस्थितियों को समाना नहीं। सामना करने की शक्ति किस लिए है? परिस्थितियों का सामना, व्यक्तियों को समाना। यह आत्मा भूल के परवश है, इसका दोष नहीं है। क्या समझना है? भूल, भूल में है, भूल भुलैया में है और भूल में है, और भूल दी है माया ने इसको, एनेस्थीसिया, भूल कहते हैं ना। इस संकल्प से उस वातावरण का बात का प्रभाव आत्मा आप आत्मा पर न हो, इसी को कहते हैं कमल समांत। ऐसे अरविंद महर्षि बनना है, बिल्कुल डिटैच्ड, ऐसे पंकज डिटैच्ड। तो जब भी किसी को गलती करते हुए देखे, बुराई करते हुए देखो, दुख देते हुए देखो, निंदा करते हुए देखो, अपमान करते हुए देखो, धोखा देते हुए देखो, और ये सब करेंगी आत्माएं, क्योंकि कमजोर है, शक्ति नहीं है, बल नहीं है, व्यर्थ में है। और जब व्यक्ति तपस्या, योग और ये इन सब चीजों में कम रहता है तो सारी बुद्धि फिर बाहर जाती है, खरीदी करना, फैशन करना, बर्थडे सेलिब्रेशंस करेगी क्या, यही सब है फिर तो, पार्टी करना, घूमना फिरना, भोजन, भोजन के व्यंजन, भोजन के पदार्थ करेगी क्या। क्योंकि जीवन का लक्ष्य अगर तपस्या नहीं है, मौन और एकांत नहीं, तो बुद्धि इन्हीं सब संबंधों में, व्यक्तियों में, वैभवों में,
स्कीम्स, मीडिया, ये सब में डूबते जाता है, और जो इसमें डूबा हुआ है वो सब यही करेगा। इसलिए रहम भाव, इसलिए स्वयं को अलग कर देना। सबसे पहले तो खुद उसके प्रभाव में ना आना, ये तो सबसे बड़ी चीज है कि हम खुद ही उसके प्रभाव में आ जाते। हमें डिटैच रहना है, हमें अलग रहना है। दादियों के सामने देखो कितने कल्चरल प्रोग्राम्स क्या क्या होते रहता है इधर डांस कर रहा है कोई, कुछ कर रहा है कोई, कुछ दादियों कुछ नहीं, सबसे ऊपर हमें कुछ फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, सब चल रहा है, जो चल रहा है आराम, कुछ देख रहे हैं बस साक्षी होकर। उनको कोई लेना देना नहीं है किसी से, क्योंकि 70-70, 80-80 साल की तपस्या समाई हुई है। 80-80 साल, 60-60 साल की योगी नहीं है सब, योगी जीवन उनका 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का योगी जीवन। शरीर की उम्र तो कई गुना उससे ज्यादा है, पर योगी जीवन की उम्र बहुत बड़ी है। इसके वजह से डिटैच है, कोई लेना देना नहीं है। उनकी अवस्था अलग है, और यदि हम सोचे कि हम भी वैसे ही है तो उसमें लिप्त हो जाएंगे। जो पौधा छोटा होता है तो उसका देखभाल बहुत ज्यादा करनी होती है। एक बार वट वृक्ष बन गया बड़ा तो हाथी बांधो तो भी कुछ नहीं, पर कोई ये सोचे कि मुझे कुछ नहीं होता, मैं सबको आत्मा देखता हूं, मैं तो फिल्म देखने भी जाता हूं तो सारी जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं उनको सबको मैं आत्मा देखता हूं, चमकता हुआ सितारा, और मुझे कुछ नहीं होता है। डू नॉट टेम्प्ट द लॉर्ड, टेम्पटेशन में नहीं आना है ये सोचकर कि मैं अभी बहुत परिपक्व योगी, प्रगल्भ योगी बन गया हूं और मुझे देखना है मुझे प्रभावित होता हूं क्या। ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखता है व्यक्ति कि अब मैं देखता हूं कि इनके साथ रहकर ये देखकर कुछ मुझ पर प्रभाव होता है क्या, पावरफुल बने कि नहीं, ये देखने के लिए देखता तो हूं, क्योंकि अभी अभी इतना श्रेष्ठ स्थिति है। जितनी श्रेष्ठ स्थिति है एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो सीधा नीचे रसातल, विकारों के रसातल में सीधा। भले तुरंत निकल भी जाओगे पर नीचे की कीचड़ की टेस्ट कर कर आना पड़ेगा ऊपर, और सूक्ष्म पश्चाताप रहेगा। और जो 3 बजे उठते थे रोज, वो 3:15 और 3:30 बजे उठोगे फिर नेक्स्ट दिन। सटल फॉल, महान तपस्वी का फॉल एकदम 5 बजे उठने का नहीं होगा, छोटा सा गिरावट होगी। जो तीव्र पुरुषार्थी वो सीधा नहीं गिरते जैसे बाकी गिरते, इनका गिरना बहुत सूक्ष्म होता है। जो चिंतन की एकाग्रता थी कल जब योग युक्त होकर सोए थे, आज जब टीवी देखते देखते सोए और व्यर्थ में सोए तो दूसरे दिन गिरना थोड़ा कम गिर ऐसा होगा। 3 की जगह 3:15 होगा, 3:15 की जगह 3:30 होगा, 4 होगा। जो कल एकाग्रता थी योग में वो आज नहीं होगी, जो परमात्म प्रेम का झरना कल बह रहा था वो आज नहीं बहेगा। सूखा गन्ने का अनुभव होगा, कम हो गया थोड़ा सा रस। अच्छा, ओम शांति।